हेलो बच्चों, क्या हालचाल? और सब बढ़िया? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शुक्राणुओं का उत्पादन कैसे होता है, या शुक्राणु जनन, इस प्रक्रिया को भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप सभी बच्चे एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो से आप सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि शुक्राणुओं का उत्पादन कैसे होता है। और यह जो मैंने टॉपिक लिया है, क्लास ट्वेल्थ के बायो के थर्ड चैप्टर से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें देखने के बाद, और अपने साथी दोस्तों में शेयर कर दें। मैं आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। तो देखिए, शुक्राणुओं का वृषण में निर्मित नर युग्मक माना जाता है। आप सभी जानते हो बच्चों के, मैंने आपको पढ़ाया था नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं को वृषण में निर्मित नर युग्मक माना जाता है। जो स्पर्म होते हैं, यह क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, नर युग्मक होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मादा युग्मक होते हैं वो ओवम या अंडाणु होता है। ठीक है, पुरुष में शुक्राणु का उत्पादन की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, पुरुष के वृषण में शुक्राणुओं का जो उत्पादन होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें। अब हम फुल डिटेल में शुक्राणु जनन को देखेंगे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है वो कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, या ये भी पूछ सकता है आपसे कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो दोनों ही रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको जवाब एक ही देना है जो आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट है, शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। आप सभी को पता है जो शुक्राणु होते हैं वो जर्म सेल्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जर्म सेल्स को क्या कहते हैं? मात्र कोशिकाएं कहते हैं। और इन्हीं मात्र कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, जो कि वृषणों में पाई जाती हैं ये कोशिकाएं। शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ये कोशिकाएं पुरुष वृषण की छोटी छोटी नलिकाओं में मौजूद होती हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनियम होती हैं, ये जो पुरुष के जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण, उनमें छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में मौजूद रहती हैं। कौन? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनियम एक द्विगुणित कोशिका है, जिनमें 2N गुणसूत्र होते हैं। ये जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन? स्पर्मेटोगोनियम एक द्विगुणित कोशिका होती है, जिनमें 2N गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु जन 4 अगुणित, यानी शुक्राणु जन में 4 अगुणित और शुक्राणु जोजा में विभाजित हो जाता है। यानी शुक्राणु जन क्या होता है? यह 4 अगुणित और 1N यानी शुक्राणु जोजा में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या है। स्पर्मेटोगोनियम शुक्राणु जन्य रोगाणु कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। यानी जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये वाला जो स्पर्मेटोगोनियम, ये किससे उत्पन्न होता है? शुक्राणु जन्य रोगाणु कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। ये रोगाणु कोशिकाएं स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जिनमें स्वयं नवीनीकरण या की क्षमता होती है। स्वयं नवीनीकरण मतलब स्वयं नई कोशिकाएं बनाने की इनमें क्षमता होती है, शुक्राणु जन्य रोगाणु कोशिकाएं में। स्पर्मेटोगोनियम किससे बनी होती है? ये जो स्पर्मेटोगोनियम है किससे बनी होती है? स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जन्य कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और शुक्राणु जन्य रोगाणु कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये रोगाणु कोशिकाएं स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो स्वयं क्या करती हैं? विभाजित हो जाती हैं, और जिनसे नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। कहने का मतलब यह, स्टेम सेल ऐसी सेल जिनके द्वारा नई कोशिकाएं स्वयं बनने लगें, उनको क्या कहते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं।
यानी जिनमें स्वयं नवीनीकरण की क्षमता होती है, एक नई कोशिका बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। शुक्राणुजन्य जनन कोशिकाओं के विभेदन के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती शुक्राणु गुणियम का निर्माण होता है, जो आगे चलकर प्रकार बी शुक्राणुजन का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरता है, ठीक है। आगे चलकर बी शुक्राणुजन का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरता है, जैसे कि आपको ये दिखाई पर रहा है। किससे गुजरना पड़ता है? माइटोसिस से गुजरना पड़ता है। ये प्रकार बी शुक्राणु जनन की प्राथमिक शुक्राणुओं का उत्पादन करने के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं, यानी मियोसिस से गुजरती हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई पर रहा है। जो प्राइमरी में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस। इसमें कौन सा होता है? माइटोसिस। पहली में कौन सा विभाजन होता है? स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस। और प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होती हैं, प्राथमिक शुक्राणुजन्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? क्या होता है इनको बदलने के लिए, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं के उत्पादन के लिए इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, वो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में बदलने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। ये जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट, ये जो गुजर रही हैं, ठीक है। पहली जो स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन्य थी, उसमें कौन सा विभाजन हो रहा था बच्चों? माइटोसिस, असूत्री विभाजन, ठीक है। लेकिन अब प्राथमिक शुक्राणुजन्य कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं, ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणुजन्य कोशिकाओं में बदलने के लिए इनमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट, यानी प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन से ये गुजरती हैं। ऐसे ही फिर क्या होता है नेक्स्ट? द्वितीयक शुक्राणु नाशक तब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से गुजरते हैं, तो चार अगुणित शुक्राणु पैदा कर देते हैं। यानी द्वितीयक में क्या होता है? ये मियोसिस सेकंड से गुजरते हैं, तो चार स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्मेटेट्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये किसका निर्माण कर देती हैं? चार स्पर्मेटेट्स का निर्माण कर देती हैं। किसका निर्माण कर देती हैं? ये चार अग्रोड़ित शुक्राणुओं को पैदा कर देती हैं द्वितीयक में, यानी द्वितीयक शुक्राणुनाशक या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड जब ये बदलती हैं आगे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये चार अगुणित शुक्राणु पैदा करते हैं, ठीक है। जिनसे क्या बन जाते हैं? चार अगुणित शुक्राणु पैदा हो जाते हैं। ये शुक्राणु अंततः शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने के लिए शुक्राणु जनन से गुजरते हैं, और ये शुक्राणु अंततः फिर क्या करते हैं बाद में? शुक्राणु की पूंछ का फॉर्मेशन करने के लिए शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं। क्लियर? अब शुक्राणु जनन तब शुरू होता है जब पुरुष यौवन प्रारंभ करते हैं और यह जीवन भर जारी रहता है। इस प्रक्रिया में प्रतिदिन लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में शुक्राणु का विकास लगभग 17 दिनों में हो पाता है, आपको याद रखना है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यह तब शुरू होती है जब मनुष्य यौवन प्रारंभ करता है और यह जीवन भर जारी रहती है। इस प्रक्रिया में प्रतिदिन लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। 70 दिनों में लगभग शुक्राणु का विकास संभव हो पाता है। तो आप लगा लीजिए, ये शुक्राणु बनने के लिए 70 दिन का समय चाहिए। फिर से समझ लीजिए इस डायग्राम। ये शुक्राणु जन्य कोशिका है, यहाँ पर क्या होगा? पहले माइटोसिस असूत्री विभाजन होगा, इसके बाद प्राइमरी शुक्राणु जन्य या प्राथमिक शुक्राणु जन्य या प्राथमिक
शुक्राणुजन्य कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी ये वाली। इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, इसके दौरान यह द्वितीयक शुक्राणुजन्य कोशिकाएं बना देंगी। इस प्रकार ये बना रही हैं यहाँ पर। फिर इनमें क्या होगा, द्वितीयक शुक्राणुजन्य कोशिकाओं या द्वितीयक शुक्राणुजन्य कोशिकाएं कहते हैं इनको, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, इनमें मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, जिसके बाद यह चार शुक्राणु बना देंगी और अंत में जाकर यह चार अगुणित शुक्राणुजोजा में वो का निर्माण कर देती हैं, और ये फिर अंत में डिफ्रेंसिएशन होकर शुक्राणु की पूंछ का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो कहाँ से गुजरता है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण, शुक्राणु जनन से गुजरता है। तो इस प्रकार यह ओवल और प्रोसेस जो क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो मैं इतनी सी आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, शुक्राणुओं के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर से वही कहूँगा, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ये टाइप करने में, तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अंडाणु जनन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।